तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक प्रॉपर गेमिंग टेस्ट ऑन Asus VivoBook 15। इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये जो है गेमिंग टेस्ट होगा, जो जो लैपटॉप हम अनबॉक्स करते हैं चैनल के ऊपर, उस सभी लैपटॉप के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको एक अंदाज़ा भी वहाँ पे आ जाएगा। तो सारे जो गेम्स हम खेलेंगे, GTA 5 और बहुत सारी गेम्स, तो वो सारी के सारे हम हाई सेटिंग्स पे खेल के दिखाएंगे आपको। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कितना फ्रेम ड्रॉप होता है किस लैपटॉप के ऊपर और किस लैपटॉप का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स जो है वो बेयर कर सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली जो गेम है वो हम GTA 5 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक 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 गेम खेलते हुए ऐसे 4-5 गेम इस लैपटॉप के ऊपर टेस्ट करेंगे। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो दोस्तों अभी जो है हम खेल रहे हैं यहाँ पे GTA 5 जो कि एक अल्ट्रा हाई सेटिंग पे रखी है मैंने इस लैपटॉप के ऊपर। पहले बता देता हूँ ये जो है इसमें कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। तो इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है वो इंटेल आयरिस XE का ग्राफिक्स कार्ड है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अगर आप ग्राफिक्स देखोगे तो थोड़ा सा आपको पिक्सेलेट होता हुआ दिखाई देगा, इतना अच्छा ग्राफिक्स नहीं मिलता है। एंड जो FPS है मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर वो लगभग 18 FPS से लेकर 19 FPS, मैक्सिमम 20 FPS तक चला जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो रैम है वो अभी कंज्यूम हो रही है लगभग कुछ तो 3 GB जो है रैम कंज्यूम हो रही है यहाँ पे। उसके साथ जो GPU है वो 97% जो है वो भी कंज्यूम हो रहा है। एंड जो टेम्परेचर चला गया वो आप यहाँ पे देख सकते हो 87 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है आप देख सकते हो 15 से लेके 14 FPS तक भी ड्रॉप होता है अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर। मतलब अल्ट्रा सेटिंग तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, उसके ऊपर तो आपको बहुत ही कम FPS आते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर FPS कम करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेटिंग तो मैंने थोड़ी सी लो कर दी है, आप देख सकते हो ग्राफिक्स थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना हाई ग्राफिक्स नहीं है, बट स्टिल 30 FPS दे सकता है। थोड़ा सा आपको लैग होता दिखाई देगा लेकिन अल्ट्रा सेटिंग से तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और है कि ये जो है लगभग अभी 81 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, मतलब ये स्टक नहीं होता टेम्परेचर, ये एक अच्छी चीज़ है लैपटॉप की। फ्लक्चुएट होता रहता है टेम्परेचर और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है गेम भी अभी थोड़ी सी चल रही है, बट ग्राफिक्स थोड़ा सा यहाँ पे आपको लो दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से GTA 5 का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, आप तो देख सकते हो यहाँ पे। हमारे जो दोस्तों सेकंड गेम होगी गेमिंग टेस्ट के लिए वो होगी Sekiro। तो दोस्तों अभी जो हम गेम खेल रहे हैं वो है Sekiro एंड वो कम्प्लीटली मैक्स सेटिंग पे चल रही है गेम। मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी लैग हो रही है यहाँ पे, 15 FPS तक आपको जो है गेम का FPS मिल रहा है। एंड रैम जो है वो कंज्यूम हो रही है लगभग 3 GB तक। एंड जो टेम्परेचर है CPU का वो 74-80 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। GPU मैक्सिमम 98% यूज़ हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से गेम 70 FPS 20 FPS आपको आसानी से यहाँ पे दे जाता है, बट थोड़ा सा आपको वहाँ पे लैग दिखाई देता है, इसकी वजह से गेम खेलने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दिखाई देगी आपको। लेकिन आप ग्राफिक्स देखोगे तो मैच सेटिंग पे ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी दिखाई देते हैं। बट एक चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लो सेटिंग पे करके दिखाता हूँ, आपको एक चीज़ समझ में आएगी। तो दोस्तों अभी जो है मैंने गेम के सेटिंग्स थोड़े कम किए हैं, मैक्स से लेके मैंने अभी ये मीडियम सेटिंग पे डाला है, फिर भी ये आपको 18 से लेके 20 FPS तक ही दे पा रहा है, क्योंकि गेम्स के ग्राफिक्स काफ़ी आए और लैपटॉप के पास कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। तो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आपको दिखाएगी, थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, बट एक्चुअली जो ग्राफिक्स है वो मीडियम सेटिंग पे वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लैपटॉप की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रैम है वो लगभग यहाँ पे 3 GB तक यूज़ हो रही है मीडियम सेटिंग पे, और जो टेम्परेचर है वो 79 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे जो तीसरी गेम हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो होगी Battlefield 3।
तो दोस्तों यहाँ पे हम खेल रहे हैं बैटलफील्ड 3 ऑन अल्ट्रा हाई सेटिंग। अभी जो सेटिंग्स मैंने रखे हैं अल्ट्रा हाई सेटिंग रखे हैं, आप देख सकते हो सेटिंग्स कितनी अच्छी दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। बट एक्चुअली जो FPS है वो काफ़ी ड्रॉप हो चुका है, 16-15 FPS आपको मिलता है यहाँ पे अल्ट्रा हाई सेटिंग पे। और थोड़ा सा जैसे मैं मूवमेंट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैग दिखाई दे रहा होगा। एंड जो मैक्सिमम जो रैम कंज्यूम हो रहा है वो 2GB के आसपास रैम कंज्यूम हो रहा है। CPU का टेम्परेचर अभी 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उसके साथ GPU जो है वो ऑलमोस्ट 98% कंज्यूम हो रहा है। आप देख सकते हो ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं अल्ट्रा हाई सेटिंग पे, बट वहाँ पे आपको FPS डेफिनेटली थोड़ा सा कम मिलता है। तो अगर आपको हाई FPS चाहिए तो आप यहाँ पे खेल सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रैम ऐड करके, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपने ये सेटिंग यहाँ पे ऑप्शंस में जाके थोड़ा सा सेटिंग जो है वो अगर आपने कम कर दिया अल्ट्रा से लेके आपने थोड़ा सा यहाँ पे हाई पे डाल दिया तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हाई पे रख देता हूँ सेटिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे FPS चेंज हो गया है, ऑलमोस्ट आपको 29-30 FPS के आसपास मिल रहा है और थोड़ी सी यहाँ पे स्मूथ दिखाई रहा है। जो ग्राफिक्स है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ थोड़ा सा अल्ट्रा हाई से लेके हाई या फिर मीडियम सेटिंग्स पे खेलो, आपको अच्छी तरीके से जो है वो गेम दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। अब जो हम फोर्थ गेम खेलने वाले होंगे वो होगी डाइंग लाइट। तो दोस्तों अभी जो है हम खेल रहे हैं डाइंग लाइट ऑन हाई सेटिंग, और आप यहाँ पे देख सकते हो FPS जो है वो ऑलमोस्ट क्रैश हो रहा है, मतलब 10 FPS मैक्सिमम हमारा 1 FPS तक गया। मतलब ये जो लैपटॉप है जो NVIDIA के लिए बनाए गए, मतलब हायर ग्राफिक्स के लिए जो गेम बनाए गए वो बेयर नहीं कर सकता, उतना कैपेबल नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे गेमिंग लैपटॉप के तलाश में हो तो डेफिनेटली मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा सा वहाँ पे लैग करता है हायर गेम्स के लिए। बट अगर आप छोटे गेम्स खेलना चाहते हो, एक नॉर्मल लैपटॉप चाहिए तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि ये आप देख सकते हो आप ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे हाई सेटिंग पे 9 FPS 4 FPS 1 FPS तक ये चला जा रहा है। मतलब डेफिनेटली थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आ रही है गेम खेलने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी लैग होता है ये Asus VivoBook 15, लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल गेम्स खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ग्राफिक्स कन करके दिखाता हूँ क्या डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों अभी जो है मैंने गेम थोड़ा सा यहाँ पे जो है लो सेटिंग्स पे रखी है, मतलब मीडियम सेटिंग्स है, बट आप देख सकते हो तभी भी ये जो है मैक्सिमम 20-21 FPS तक दे पा रहा है। मतलब इतना आपको स्मूथ यहाँ पे गेम प्ले नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा लैग दिखाई देगा बट कुछ इस तरीके से। तो हायर अगर FPS वाले गेम्स खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं है, थोड़ी सी वहाँ पे आपको दिक्कत दिखाई देगी। जो हमारी फिफ्थ गेम होगी दोस्तों वो होगी फ्री फायर। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पे फ्री फायर खेल रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं फ्री फायर को, बट PUBG नहीं खेल रहे क्योंकि अभी तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 60-50 FPS आराम से दे सकते हैं, और ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हो ये कंप्लीट अल्ट्रा हाई सेटिंग पे हमने रखी है, कोई भी लो सेटिंग नहीं है, काफ़ी हाई सेटिंग पे यहाँ पे रखी गई है। तो अच्छी तरीके से ये जो है 60 FPS तक आपको दे सकता है, कोई भी लैग नहीं दिखाई देता गेम के ऊपर। और जो यहाँ पे टेम्परेचर चला गया है वो 70-80 डिग्री के आसपास चला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। और जो रैम है वो लगभग आप यहाँ पे 2.5 से लेके 2 GB तक कंज्यूम हो रही है, तो कुछ इस तरीके से FPS भी अच्छा खासा देता है, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। और लैग तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता। तो फ्री फायर जैसे अगर आप गेम खेलना चाहते हो या फिर PUBG भी अच्छी तरीके से खेल पाओगे, डेफिनेटली PUBG इतना अच्छा ग्राफिक्स नहीं है इसका, बट अच्छी तरीके से खेल सकते हो 60 FPS के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ओवरऑल एक ही चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो लैपटॉप है मैक्सिमम सेटिंग पे, मतलब कोई भी गेम हो मैक्सिमम सेटिंग पे तो आप यहाँ पे नहीं खेल पाओगे, मीडियम या फिर लो सेटिंग पे अच्छे तरीके से खेल पाओगे क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए जो हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स है वो डेफिनेटली आपको थोड़े से लो FPS पे खेलना होगा, थोड़ा लैग वहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं गेमिंग के लिए तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा ये,
बट एक नॉर्मल यूज़ के लिए आप यूज़ करते हो, थोड़ी बहुत गेम खेलते हो, बट आपका बहुत ज़्यादा काम जो है वो ब्राउज करना या फिर कोई एडिटिंग वगैरह करना हो तो डेफिनेटली ये आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। गेमिंग के लिए थोड़ा सा वहाँ पे आपको कम FPS दे देता है, यही एक दिक्कत है। सो होपफुली दोस्तों ये गेमिंग टेस्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना एंड लाइक करना मत भूलना, शेयर भी कर देना थोड़ा सा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।